Hello everyone. Today we are going to study our fourth chapter of English Reader, Rikki Tikki Tavi. Okay? This lesson is adapted from Rudyard Kipling's book. This lesson is written by Rudyard Kipling. Okay. So, have you ever come across a snake? How did you behave? क्या आप कभी स्नेक के सामने किया है आपके और आपका आपने कैसे बिहेव किया स्नेक को देख करके? डर गया होगा ना, भाग गया होगा चिल्ला के. ओके, और हाउ डिड द स्नेक बिहेव? वो भी डर के भाग गया होगा, है ना. हाउ डू यू नो एनी पर्सन हु आर फ्रेंडली विथ स्नेक? स्नेक के साथ फ्रेंडली रहने वाला कोई भी पर्सन के बारे में आप जानते हो, किसी को जानते हो इसे? है, ओके, यस. डू यू नो एनी एनिमल दैट फाइट स्नेक्स? ऐसा कोई एनिमल के बारे में जानते हैं जो स्नेक के साथ फाइट करते हैं? यस, इट इज अ मंगूस. हैव यू सीन ए मंगूस? मंगूस को देखा है? ओके. व्हाई डू यू थिंक ए मंगूस इज वेल मैच्ड इन फाइटिंग अगेंस्ट ए स्नेक? क्यों सोचते हैं मंगूस जो है स्नेक के साथ फाइट कर सकते हैं? ऐसे फीचर्स है उसकी, हैं? ओके, सो नाउ रीड अ स्टोरी फीचरिंग ए मंगूस एंड अ स्नेक. लेट्स स्टार्ट द लेसन. इट हैड रेन्ड हेवीली ऑल नाइट. टेडी, अ यंग बॉय ऑफ 10, रैन आउट इनटू द गार्डन. He saw a mongoose lying wet and still on the grass. Here, a dead mongoose, Teddy called out to his mother, "Let's bury him." तो बहुत तेज बरसात वाले एक रात को क्या है, टेडी नाम का एक बच्चा है, वो 10 साल का लड़का है, वो बाहर आए और रात भर इतनी तेज बारिश होने की वजह से सब जगह गीले गीले और ठंडे ठंडे हो रहे थे. और फिर मॉर्निंग में वो गार्डन में आए तो उसने वहां पर क्या देखा, एक मंगूस का बच्चा जो एकदम स्टिफ होकर के वहां लेटा है, ग्रास के ऊपर लेटा है. और उन्होंने सोचा वो मर गया है और वो चिल्लाया, मम्मी मम्मी देखो यहाँ पे एक मंगूस मरा पड़ा है और हमें ये इसको दफनाते हैं. नो, सेड टेडीज मदर, हिज हार्ट इज बीटिंग फेंटली, परहैप्स ही विल लिव, लेट्स टेक हिम आउटसाइड एंड ड्राई हिम. तो मम्मी ने कहा नहीं बेटा, ये तो अभी मरा नहीं है, अभी इसका हार्ट जो है धीरे धीरे चल रहा है, इसलिए हमें इसको अंदर ले जाके पहुंच करके इसको क्या है ड्राई करते हैं. Teddy's father wrapped him up in an old woolen muffler and placed him near the fire. The mongoose sneezed. Teddy and his parents were delighted. और अंदर ले गए तो मंगूस को उनके पापा ने एक पुराना मफलर, वूलन मफलर था, उसमें लपेट दिया और फायर के पास रखे, उसको गर्मी दिया और फिर मंगूस धीरे धीरे श्वास लेने लग गया, है ना. वो देख करके वो मंगूस चल वो जिंदा है देख करके टेडी और उसके फैमिली बहुत खुश हो गए. दे गिव हिम सम मीट एंड देन टुक हिम आउटसाइड. ही सैट इन द सन एंड शुक हिज लॉन्ग प्लफी टेल टिल इट लुक्ड लाइक अ बॉटल ब्रश. और फिर उसने टेडी ने उसको लेके उसको कुछ खिलाया, कुछ मीट खिलाया और उसके बाद बाहर धूप में ले गए और वहां गार्डन में वो अपने प्लफी टेल हिला हिला करके खोदने दौड़ने लग गया. सून टेडी एंड द लिटिल मंगूस बिकेम वेरी फ्रेंड्स. द मंगूस वुड रन थ्रू द टॉल ग्रास क्राइंग टिकी 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 टिकी. और उसका गार्डन के अंदर धूप में वो एकदम सही हो गया और इधर उधर भागने लग गया. और कैसे आवाज करते करते रो रहा था ग्रास के ऊपर, रिकी टिकी टिकी टिकी, ऐसे साउंड बना करके वो रो रहा था. टेडी यूज्ड टू लाफ एट हिम एंड स्टार्टेड कॉलिंग हिम रिकी टिकी टबी.
और उसकी वो आवाज सुन करके, रिकी टिकी टिकी आवाज सुन करके टेडी ने उसका नाम ही रिकी टिकी तभी रख दिया। वन मॉर्निंग रिकी टिकी वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इन द गार्डन, देयर ही सॉ अ नाग अ बिग कोबरा एंड हिज वाइफ नागिना। और एक मॉर्निंग में और टेडी और रिकी टिकी बहुत फ्रेंड्स बन गया, जल्दी वो दोनों फ्रेंड्स बन गए। और एक मॉर्निंग में वो गार्डन में घूम रहा था रिकी टिकी, तो उसने वहां पर एक बड़ा सा कोबरा देखा, नाग देखा, और उसकी पत्नी नगीना दोनों वहां गार्डन में बैठे थे, तो उसको देखा। ऑल दो रिकी टिकी वॉज यंग ही न्यू दैट स्नेक्स वर हिज एनिमीज। और वो बच्चा था रिकी टिकी और वो जानता था अभी तो मैं इसके अकेला कुछ नहीं कर सकता, इनको मार नहीं सकता क्योंकि मैं बच्चा हूं और वो मेरा एनिमीज है। नाग ऑल्सो न्यू दैट मंगूस इन द गार्डन मीन्स डेथ ऑफ हिम एंड हिज फैमिली। और नाग ये जानते थे कि ये गार्डन के अंदर मंगूस है तो इसका मतलब उनका सत्यानाश है, उनका और अपने फैमिली का सत्यानाश है, मतलब मंगूस उनको खा जाएंगे, मार देंगे। इट वॉज नाइट, टेडी क्राइड टिकी टिकी टू हिज बेड एज यूजुअल। टेडी अपने रिकी टिकी को अपने बेड पे ले गया और रात को उसको वहां सुला दिया। बट एज सून एज द बॉय वॉज असलीप रिकी टिकी वेंट ऑफ फॉर हिज नाइट वॉक राउंड द हाउस। एज ही मूव्ड अबाउट ही हर्ड ए फेंट साउंड, इट केम फ्रॉम द बाथरूम ऑफ टेडीज पेरेंट्स। तो रात को टेडी जाके सो गया, रिकी टिकी भी उसके साथ ही लेट गया, लेकिन उसको नींद नहीं आया, वो रात के नाइट वॉक के लिए वो बाहर निकला और टेडी तो सो गया। और उसके बाद वो बाहर निकला तो उसे अजीब सा आवाज, हल्की सी आवाज आने लगी और टेडी की पेरेंट्स की बाथरूम की साइड से वो आवाज आ रही थी। रिकी टिकी क्विकली एंटर्ड द बाथरूम, ही कुड हियर नाग एंड नगीना टॉकिंग टू द अदर साइड ऑफ द बाथरूम डोर। और रिकी टिकी जल्दी से वहां बाथरूम के पास गया तो उसने देखा नाग और नगीना बात करते हुए बाथरूम के डोर के पास खड़े हैं दोनों। नगीना वॉज टेलिंग हर हस्बैंड किल द थ्री पीपल इन द हाउस। तो नगीना अपने पति से बोल रहा है ये घर के तीनों को मार दो। द मंगूस विल गो अवे वेन देयर इज नो वन लेफ्ट। और मंगूस अपने आप चला जाएगा कि जब घर में कोई नहीं रहेगा तो मंगूस अपने आप चला जाएगा। देन वी विल हैव द गार्डन टू अवर सेल्व्स। फिर हम अपने बच्चे हम सब आराम से इस गार्डन में रह सकते हैं, गार्डन हमारा हो जाएगा। रिकी टिकी सो नैक स्लिथरिंग इन टू द बाथरूम थ्रू द ड्रेन। और रिकी टिकी ने देखा ये नाग जो है धीरे धीरे पिसलते पिसलते बाथरूम के अंदर आ गया। नाग न्यू दैट टेडीज फादर कुड कम टू द बाथरूम अराउंड मिड नाइट। नाग को ये भी पता था टेडी का पापा जो है वो मिड नाइट को आधी रात को बाथरूम में आ जाते हैं ना बाथरूम करने के लिए। So he coiled himself up and went to sleep there. और तब मैं उसको मार दूंगा और वो मर जाएगा। रिकी टिकी वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर वॉचिंग नाग। अब ये सारी बातें सुन के नाग को वॉचिंग करते हुए वो दरवाजे के पीछे कौन खड़ा था, रिकी टिकी। When Nag was first asleep, रिकी टिकी jumped on his head and dug his teeth into the snake's flesh. Nag was furious. He threw his head from side to side and Rikki Tikki was flung against the wall again and again. और जब वहां पड़े पड़े नाग तो सो गया, अच्छी नींद आ गया, और वो रिकी टिकी ये मौका दे करके ये नाग के सिर पर काट दिया है ना, लेकिन वो बच्चा था तो क्या किया नाग ने, क्या किया अपने सिर हिलाते हिलाते इधर उधर हिलाते हिलाते रिकी टिकी को दीवार पे बिड़ाने लगे।
टिकी टिकी थॉट ही वॉज गोइंग टू डाई। इतनी जोर जोर से दीवार पे वो मार रहा था, अपने सिर हिला हिला करके रिकी टिकी को हटाना है इसलिए उसको दीवार पे मार रहा था। तो रिकी टिकी सोचा हो गया, मैं तो मर जाऊंगा अभी, तो इतनी जोर जोर से ये मुझे दीवार पे मार रहा है। ही वॉज ब्लीडिंग बट ही डिड नॉट लेट गो ऑफ हिज होल्ड ऑफ नाग्स हेड। और वो उसके दीवार पे भिड़ने से उसके शरीर से ब्लड आने लग गया और उसकी लग घाव हो गया है, लेकिन फिर भी वो रिकी टिकी नाग का हेड अपने मुंह से नहीं छुड़ाया। ड्यूरिंग द स्ट्रगल नाग्स टेल अपसेट द मग एंड सॉप डिश, दे फेल टू द ग्राउंड विथ द क्लैटर। सडनली द वाइल्ड स्ट्रगलिंग और स्टॉप्ड। जब वो नाग जो है रिकी टिकी को दीवार पे भिड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तब अपने उसकी टेल से मग और सॉफ्ट डिश जो बाथरूम में थे वो उस पे टेल लग गया और वो दोनों नीचे गिर गया और बिल्कुल आवाज क्लैटर करके वो नीचे गिर गया और उससे आवाज साउंड बन गया और तुरंत वहां स्ट्रगलिंग स्टॉप हो गया। कैसे? नाग्स हैड ड्रॉप डाउन एंड डिड नॉट मूव। टेडीज फादर हु हैड एंटर्ड द बाथरूम ऑन हियरिंग द नॉइज हैड शॉट नाग विद हिज गन। तो आवाज सुनगी टेडी का पापा अपने गन लेके आया और नाग को शूट कर दिया और उसी से वो मर गया। टेडीज फादर पिक्ड अप द ब्लीडिंग रिकी टिकी एंड वेंट बैक टू हिज बेडरूम। ही आस्क्ड हिज वाइफ टू पुट सम मेडिसिन ऑन द रिकी टिकी'स वुंड्स। तो टेडी के पापा अपने बेडरूम में उसको लेके गया रिकी टिकी को और उसके पत्नी से कहा कि मेडिसिन लाओ, जल्दी से इसकी वुंड पे घाव पे लगाओ, पट्टी बांधो। आई किल्ड द स्नेक ही सेड बट रिकी टिकी सेव्ड अवर लाइव्स। तो टेडी के पापा ने कहा मैंने नाग को मारा है लेकिन हमारे जीवन कौन बचाया है? किसने बचाया उनके जीवन? रिकी टिकी ने। टेडीज मदर वॉश्ड रिकी टिकी'स वुंड्स विद मेडिसिन। शी पेटेड हिज सोर हेड एंड गेव हिम सम टोफीस। अंडर हर लविंग केयर रिकी टिकी फेल्ट बेटर। So he pluffed up his tail and ran off to the Teddy's room. और फिर टेडी की मदर ने उनको मेडिसिन लगाया, वुंड साफ किया और दवाई लगाया और फिर उसको प्यार किया है, पैम्पर किया है और उसके जो पेनफुल जगह है हेड के वहां पर उसने पैम्पर करके प्यार से प्यार करते हुए उसको दवाई वगैरह लगाया और फिर उसको टोफी भी दिया और वो खुश होकर के मम्मी की केयर से, लविंग केयर से वो खुश हो गया और अच्छा बन गया और उसके बाद वो अपनी प्लफी टेल हिला हिला करके टेडी के कमरे में चले गए। सो चिल्ड्रेन, दिस वॉज ऑल दिस लेसन और यू हैव टू एंजॉय इट। ओके, थैंक यू।